प्लास्टर कटने के बाद कौन सा तेल लगाना चाहिए? अक्सर फ्रैक्चर के बाद लोगों का यही सवाल होता है, या प्लास्टर कटने के बाद, प्लास्टर खुलने के बाद लोग अक्सर यही सोचते हैं कि हमको जो है कौन सा तेल लगाना चाहिए। तो इस वीडियो में आज हम आपको डिस्कस करेंगे, जो सूजन आ जाती है, दर्द आता है प्लास्टर कटने के या खुलने के बाद में, फ्रैक्चर के बाद में, और जोड़ जाम पड़ जाते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, कौन सा तेल लगाना चाहिए। सिंपली यही जो आपका सवाल है उसका आंसर दूंगा मैं। काफ़ी समय से आप इस सवाल को खोज रहे थे और आज मैंने इस चीज़ का आंसर दे के ही रहूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कीजिए लाइक, और चैनल की भावना में खोने से पहले चैनल को कर दीजिए घंटा दबा के सब्सक्राइब, क्योंकि आप वीडियो की भावना में खो जाते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। तो मैं बरेली से आपका नयन सिंह, फिजियोथेरेपिस्ट। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे प्लास्टर कटता है तो उसके बाद हमारी मांसपेशियाँ कुछ टाइट हो जाती हैं, और साथ में मेरा गेम भी चल रहा है, उसको मांसपेशियों को जो टाइट हो जाती हैं, प्लास्टर खुलता है तो वो जोड़ जाम हो जाता है, चाहे वो पैर का कोई जोड़ हो, गट्टे का, या फिर घुटने का, या एल्बो का, या रिस्ट का, वो जोड़ जाम हो जाता है। ज़्यादातर लोगों के जोड़ जाम ही हो जाते हैं। उसके बाद सूजन भी आती है जब वो चलाते हैं, और दर्द भी होता है। तो इन सबको कम करने के लिए बहुत से पैराफिन बैग्स, तो ये आप कहीं से भी आके परचेस कर सकते हैं और आप उसको लगा सकते हैं, उससे शिकायत कर सकते हैं। पैराफिन वैक्स की शिकायत कैसे की जाती है, इस पर ऑलरेडी मैंने तमाम वीडियोस बना रखे हैं, जाके आप उनको आई बटन पे देखना एंड स्क्रीन कार्ड पे देखना, काफ़ी कुछ उन वीडियो से भी आपको सीखने को मिलेगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ, इसीलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके बोन से रिलेटेड सारे सवाल अब तक कवर कर ही चुका हूँ। फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मेरे को नीचे दिए गए आईडी पे आके फॉलो कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। तब तक के लिए चलता हूँ, अपना रखिए ख्याल। जय हिंद, बाय।